2023 का वर्ल्ड कप आने वाला है, सभी क्रिकेट प्रेमियों का इसका बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच सौरभ गांगुली ने कही ऐसी बात जिसे सुनकर हो गए सब हैरान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से चैनल का सपोर्ट जरूर करें। बता दें वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, जहां पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। वहीं टीम इंडिया 8 अक्टूबर से इस मैच में शुरुआत करेगी। वहीं भारत का मुकाबला पाकिस्तान से 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमों की जबरदस्त भिड़ंत होगी। आईसीसी ने ऐलान करते हुए बताया कि अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचती है तो यह मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में ही खेलेगी। वहीं अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई करती है तो उसका मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो फिर यह मैच कोलकाता में ही खेला जाएगा। वहीं पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर एक भविष्यवाणी की है कि अगर वर्ल्ड कप 2023 में कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। शनिवार को 51 साल के हुए सौरभ गांगुली ने सेमीफाइनल के लिए 5 टीमें चुनी है, जिसकी आखिरी 4 पायदान पर टक्कर हो सकती है। इसी बीच दादा ने उम्मीद जताई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हो सकता है। गांगुली ने रेव्स स्पोर्ट को दिए एक इंटरव्यू में यह बात कही। दादा की बात कितनी सही है ये तो मैच के दौरान ही पता चलेगा। वैसे दादा की बात से आप कितनी सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे क्रिकेट की एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।